देख रहे हैं इंडिया टाइम्स न्यूज, मैं हूं शब। हमारे संवाददाता आमिर ने सामाजिक कार्यकर्ता परवेज उमर से सपा के भावी प्रत्याशी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर खास से बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंडिया टाइम्स न्यूज से मैं मोहम्मद आमिर। इस समय मैं जिला बलरामपुर में बलरामपुर के एक मौजूद शख्स से मुलाकात करेंगे, परवेज उमर साहब से। बहुत ही मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इस बार ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से आपको टिकट मिलेगा। काफ़ी मेहनत किया है, कोरोना काल में भी काफ़ी सक्रिय योगदान रहा है इस विधानसभा क्षेत्र में। हम जानेंगे इनके बारे में। आइए मिलते हैं। डॉक्टर जी, सबसे पहले तो आपका ये इंडिया समाचार था, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको इस मौके पर बोलने के लिए मौका दिया, अपनी बात हम रखने के लिए जो समय मिला है इसके लिए हम आपको बहुत आभारी हैं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं इसमें हमारी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, जिसकी नीतियां लोगों में इतनी मशहूर हुई हैं, पहले से ही जो इनके कार्यकाल में जो 12 से 17 का कार्यकाल था इसमें जो समाजवादी पेंशन या जो भी उस वक्त के इनके समाजवादी के ज़रिए काम हुए थे वो उसे लोगों आज इस भाजपा के दौर में याद आ रहा है। तो अब लोग बदलाव चाह रहे हैं, महंगाई देख चुके हैं, हमारे यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं वो सड़क की, आपके स्वास्थ्य की, हमारे यहाँ नहर से पानी अगर कट जाता है तो हजारों हजार बीघे जो है पानी में डूब जाते हैं, कोई पूछा हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई हम जैसे लोग जो इस वक्त बहुत ताकत में नहीं है लेकिन उनके दुख दर्द में खड़े होने का काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके दुख दर्द को बांट लें, लेकिन अगर हमारी सरकार आ जाती है, जैसा कि हम लोगों को उम्मीद है कि इस बार जो है लोग भाजपा से इतना उब चुके हैं कि वो बदलाव की तरफ एकदम से लोगों का रुझान है, ना हिंदू ना मुसलमान किसी पे अक्की बार वोट नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ सारे वोट जो है एक तरफा समाजवाद की तरफ मोड़ रहे हैं और सभी लोगों का ये मानना है कि भाजपा से सब तंग आ चुके हैं। इनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। ये जिस मैनिफेस्टो पे अपना चुनाव लड़ते हैं और जब चुनाव दूसरा चुनाव आता है तो दूसरा मैनिफेस्टो आने तक उस मैनिफेस्टो की बात भी नहीं करते, इसलिए लोग बहुत तंग हैं और बदलाव चाह रहे हैं। अपनी पृष्ठभूमि बताइए, आप किस पृष्ठभूमि से हैं आप? हम लोग, हमारे वाली साहब डॉक्टर मरहूम डॉक्टर मोहम्मद उमर साहब, हमारे पुराने विधानसभा जो था साधुआ नगर, जो परिसीमन के बाद वो उतरौला में चले गया है, दो ब्लॉक, एक ब्लॉक रहना जो है वो साधुआ नगर का है और दो ब्लॉक जो कि इसी के बराबर दोनों ब्लॉक मिला के होते हैं, गड़ास बुजुर्ग और उतरौला, ये रहरा मतलब आधा है, आधे में ये दोनों ब्लॉक है, ये बाद में मिलकर के उतरौला ब्लॉक बन गया और उसके बाद से वो साधुआ नगर सीट खत्म हो गई। साधुआ नगर सीट से 80 से 89 तक हमारे वालिद साहब दो बार विधायक निर्वाचित हुए। हाँ, और उनके ऊपर कभी किसी ने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि 10 रुपया लिए हों कभी, या किसी बेईमानी की हो, किसी जमीन हड़प की हो, या कोई ऐसा मामला जो कि विपक्ष उठाना चाहे, तो उनके पास कोई मुद्दा कभी उनके खिलाफ रहा नहीं। हम उस पृष्ठभूमि से आते हैं। राजनीति में रुचि तभी से जागी आपकी? जी, हम लोग चूँकि बचपन उसी में बीता है, हम लोग बहुत सक्रिय नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी जब घर का माहौल ऐसा था कि जो राजनीतिमय था तो उसका असर तो पड़ना ही था। 2015 में उनका इंतकाल हो जाता है, उसके बाद हम उनकी जगह पे मतलब आ जाते हैं और पिछला चुनाव हम 2017 का लड़े थे जिसमें हम 46,000 वोट पाए थे। हाँ जी, और उसके बाद समाजवादी जो लड़ रहे थे वो हमसे दो ब्लॉक हमसे वो हार गए, एक ब्लॉक वो जीते थे, दो ब्लॉक हम जीते थे। तो ये क्या नाम है, समाजवादी की कुछ लहर भी थी, उसके बाद भी उनका कार्यकाल जो है जो मौजूदा विधायक थे वो, उसके बाद भी वो लड़ाई लड़ाई नहीं आ पाई।
कोरोना काल में क्या योगदान रहा आपका? कोरोना काल में जो भी हम लोगों के लायक था, राशन, पानी, दवा, सैनिटाइजर, मास्क, ये हम लोग अपना बंटवाने का काम किए। जो जहाँ तक पहुँच पाए, उस वक्त चलने फिरने में बड़ी दिक्कत थी, लेकिन जहाँ भी पहुँच पाए, जहाँ मालूम पड़ा कि भूखे मर रहे हैं या ऐसी परेशानी है, दवे की है या खाने की, तो उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आपके क्षेत्र की जनता अगर आपको मौका देती है तो प्रमुख रूप से आप क्या करना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? हमारे अगर मौका मिलता है तो प्रमुख रूप से सड़क, बिजली और पानी, स्वास्थ्य, स्कूल, शिक्षा। हालांकि शिक्षा के मामले में हमारे वाली साहब के ज़माने में जब वहाँ कोई पढ़ाई इंतजाम नहीं था, 70 से उन्होंने इंटर कॉलेज शुरू किया था। एक इंटर कॉलेज शुरू किए थे, बाद में वो करते करते 3 इंटर कॉलेज हो गए। लड़कियों के लिए अलग से इंटर कॉलेज बनवा दिए थे और उसके बाद डिग्री कॉलेज, 2 डिग्री कॉलेज बनवाए। और लगातार मतलब हम लोग शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। खुद डॉक्टर थे, इसलिए उस दौर में, 70 के दौर में MBBS डॉक्टर कोई देहात में नहीं मिलते। हमारे वाली साहब अपने क्षेत्र के विकास के लिए, वहाँ की जनता की ज़रूरत के लिए, उनको बॉम्बे जैसे जगह रहते हुए वहाँ से छोड़ के चले आए और यहीं बस गए कि कम से कम अगर यहाँ का कोई लड़का पढ़ के MBBS डॉक्टर हो गया तो उसका फ़ायदा जो है यहाँ की जनता को मिले। तो त्याग तो 70 से वो शुरू कर दिया। हालांकि हमारा पैदाइशी गाँव वही सतुला नगर बाजार के बगल में एक गाँव फतेहपुर है, वहीं के रहने वाले हैं, बाजार से 2 किलोमीटर दूर हैं। लेकिन जिस दौर में वो यहाँ आए थे, उस दौर में यहाँ पर हकीम वगैरह होते थे, डॉक्टर नहीं होते। उसके बाद वो सरकारी हॉस्पिटल में कुछ दिन रहे और उसके बाद फिर वो अपना नर्सिंग होम शुरू कर। आपके क्षेत्र में लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, बम्बई जाते हैं, अरब जाते हैं, तो आप स्वरोजगार के लिए, उद्योग धंधों के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में? जी बिल्कुल चाहते हैं। अगर हमारी सरकार बन जाती है तो इस बार इस मामले में हम लोगों ने अखिलेश यादव जी से भी बात की है और उन्होंने कहा है कि हम इस मामले में आपका जो भी हो सकेगा उचित सहयोग करेंगे।